क्या आप जानते हैं कि एक थर्मामीटर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेजर करता है अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इट कि कोई भी थर्मामीटर दूसरी बॉडी का टेम्परेचर एक्चुअल में मेजर नहीं करता बल्कि वो खुद का ही टेम्परेचर मेजर करता है तब हम लोग कैसे कह सकते हैं कि दिस इज सपोज 98.5 डिग्री आ, से, सेल्सियस और फेरहाइट वॉट एवर टू तो से कि ये उस बॉडी का टेम्परेचर है क्योंकि तब जब हम लोग किसी भी थर्मामीटर को अटैच करते हैं या फिर टच कराते हैं किसी भी बॉडी से तब उनके बीच में हीट ट्रांसफर होती है जब तक थर्मामीटर और वो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए एंड जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आएंगे तब दोनों बॉडीज के टेम्परेचर सेम एग्जैक्टली होगी एंड दैट इज द थिंग कि जब तक हम हमें एक स्टेबल वैल्यू इन द थर्मोमीटर नहीं मिल जाती तब तक रीडिंग थोड़ी अप एंड डाउन होती रहती है क्योंकि थर्मोमीटर का टेम्परेचर चेंज होता रहता है एंड वेन इट कम्स टू अ स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिबियम तब उस टाइम पर वो थर्मो मीटर एंड उस बॉडी की टेम्परेचर सेम होंगी तो अगर वो थर्मोमीटर अपनी भी टेम्परेचर में ईजा करता है तो वो एग्जैक्टली exactly उस बॉडी की टेम्परेचर के इक्वल होगा थैंक यू